हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आप लोगों में से जिस किसी ने भी हमारे मारुति एक्सेल के पहले वाले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा, हम लोगों ने इसके एक्सटीरियर की सारी बातों के बारे में आप लोगों से डिस्कस की थी, लेकिन कई बातें ऐसी थी जो छूट गई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो हम लोगों ने उसको कुछ कट शॉर्ट करके आगे इंटीरियर में जाने से पहले रोकना ज़रूरी समझा। तो आज कुछ बचे हुए एक्सटीरियर के फीचर्स को साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस तो बराबर देख रहे हैं पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ जो आपको हमारे साथ रहने से आगे देखने को मिलेंगे उससे आप वाकिफ रहें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं हमारे इस चौथे एक्सेल सिक्स के वीडियो में स्वागत करता हूं और बताना चाहूंगा कि आप लोगों में से जिस किसी ने भी हमारे एक्सेल सिक्स वाले पहले के तीन वीडियोस नहीं देखे हैं, एक एक कर ऊपर लिंक दे रहा हूं, आप लोग उस लिंक को क्लिक कर आगे उन वीडियोस को ज़रूर देखें, खासकर वो माइलेज टेस्ट वाली वीडियो जिसकी लिंक थोड़ी देर बाद मैं आपको ऊपर में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि हमें इस गाड़ी में माइलेज 21.4 की मिली थी। एक्चुअली रिकॉर्ड तो 5 हुई थी लेकिन उसकी फ़ोटो मैं खींच नहीं पाया। तो कोई नहीं, आगे आइए, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो रिक्वेस्ट बटन है जिससे गाड़ी खुलती है, मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे रिक्वेस्ट बटन ड्राइवर के डोर के साइड में भी है और उसके ऑपोजिट साइड में भी है, जिसको अगर हम लोग एक बार दबाते हैं तो केवल एक ही दरवाज़ा खुलता है, चाहे इस साइड की हो चाहे उस साइड की हो, और जब हम इसे दो बार दबाते हैं तो पूरी गाड़ी की चारों दरवाजे और इंक्लूडिंग डिक्की भी खुल जाती है। तो अभी गाड़ी फ़िलहाल लॉक हो चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा से, ये एक बार केवल एक दरवाज़ा खुला और अब सारी की सारी दरवाजे खुल जाती है। ये केवल इस बटन से ही नहीं है, आप अगर इस रिमोट से भी ओपन करना चाहेंगे तो भी वही कहानी है, आपको दो बार दबाना ही होगा पूरी गाड़ी को अनलॉक करने के लिए। लेकिन एक बेहतरीन से बेहतरीन बात शायद ही किसी ने आप लोगों से कभी शेयर किया होगा और शायद ही कभी आप लोगों को ये ध्यान में आया होगा, तो ये सवाल मैं आप लोग सभी से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे रिक्वेस्ट बटन इस पूरे एक्सेल सिक्स में कितने हैं। आप लोगों का सबका जवाब होगा दो, और अगर आप लोगों का जवाब है दो तो मैं कहता हूँ कि आप लोग गलत हैं क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट बटन इस रिमोट के अलावा गाड़ी को खोलने के लिए ऐसे रिक्वेस्ट बटन कुल तीन हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पहला ये, दूसरा उस ड्राइवर साइड वाले बगल वाले उस दरवाजे पे है, आइए, दूसरा ये है और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है, बताइए कहाँ है। आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो बैक डिक्की है, डिक्की का जो पोर्शन है जहाँ हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे बैठते हैं तो हमें ये कैमरा दिखाई देता है, ठीक है ना, तो इस कैमरे के बगल में हमारा ये डिक्की खुलने वाला क्लिप है, अगर लॉक खुली हुई होती तो इसको दबाने से खुलता, लेकिन यहाँ बगल में देखिए, आप यहाँ बगल में देखिए एक छोटा सा क्लिप और है, देख रहे हैं आप, गाड़ी की रिमोट मेरे दूसरे हाथ में पास में है, इसको दबा रहा हूँ, साउंड सुनिएगा, गाड़ी खुल जाएगी, एक बार पूरी की पूरी गाड़ी यहीं से खुल जाएगी, देखिए डिक्की भी खुल गई, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों गाड़ी खुलने के लिए रिक्वेस्ट बटन तीन जगह पे दी हुई है, ये सबसे बेहतरीन और स्पेशल फीचर्स है इस गाड़ी की। और तो मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूँगा, ड्राइवर के साइड में, उसके बगल वाले ऑपोजिट साइड में और यहाँ डिक्की में तीन रिक्वेस्ट बटन के फीचर्स है, शायद ये चीज़ आप लोगों को कभी किसी ने नहीं बताई होगी। और एक ज़रूरी, बहुत ही एक खास चीज़ मैं आप लोगों से और शेयर करना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि इस एक्सेल सिक्स में एक इमरजेंसी एग्जिट वाली भी कहानी है, यानी कभी भी अगर आप अंदर फंस जाते हैं गाड़ी के, ये आपका रिमोट काम नहीं कर रहा है, किसी कारणवश आपकी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई हो, कुछ भी हुआ हो, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, आप अंदर फंसे हुए हैं, तो कैसे निकलेंगे, किसी को फ़ोन करेंगे, कोई हेल्प बुलाएंगे, बाहर से किसी से दरवाज़ा खुलवाएंगे, जी नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको बाहर निकलने के लिए एक छोटी सी चीज़ का ध्यान आपको रहना जरूरी है कि आपके गाड़ी में एक इमरजेंसी एग्जिट का सुविधा मौजूद है। जी हाँ, एक्सेल 6 में एक इमरजेंसी एग्जिट की भी सुविधा मौजूद है, बशर्ते आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो एक स्क्रू ड्राइवर की सेट आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, अगर आप उससे वाकिफ़ हैं कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है, तो स्क्रू ड्राइवर की सेट अगर आप रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। और नहीं तो ये जो रिमोट की आपको दिखता है, इस रिमोट की में एक बटन है, देखिए पीछे देख रहे हैं, इसको जब हम लोग क्लिक करते हैं, ऐसे करके दबाते हैं, तो यहाँ बगल से इसकी चाबी निकल आती है। ये चाबी भी आपको बचा सकता है, वो इमरजेंसी एग्जिट जो है उसे खोलने के लिए ये चाबी काफ़ी काम आएगा। तो आइए उस इमरजेंसी एग्जिट के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस चाबी की एक और कहानी से मैं आप लोगों को वाकिफ करवाना चाहता हूँ। मानिए पूरी गाड़ी लॉक है, आपने रिमोट से लॉक किया है, और अगर इस चाबी से आप इस गाड़ी को खोल देंगे ना, तो इसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम वाली अलार्म है वो बज उठेगी। यानी आप जैसे लॉक कर रहे हैं वैसे ही खोलिए, या तो इस रिमोट से या रिक्वेस्ट बटन से, दोनों अलाइंड है, मींस दो है लेकिन एक है, लेकिन ये चाबी तीसरा है लेकिन है दो, या तो रिमोट बटन या ये रिक्वेस्ट बटन, दोनों एक है और ये चाबी हो गई दूसरी। यानी एक से लॉक करेंगे दूसरी से खोलेंगे तो सारी सिक्योरिटी अलार्म बज उठेगी, दूसरी से लॉक करेंगे पहली से खोलेंगे तो भी सिक्योरिटी अलार्म बज उठेगी। दिखाता हूँ आपको, ये लॉक मैंने रिमोट से किया है दोबारा। अब देखिए मैं इस चाबी से खोल रहा हूँ, ये खुल गई। अब सुनिए क्या होने वाला है, देख रहे हैं, अब इसे मुझे बंद करना होगा, ऐसे अनलॉक वाला बटन दबाइएगा तो ये एंटी थेफ्ट अलार्म बंद हो जाएगी। लेकिन ये जो अलार्म अभी बजा है इसके चलते एक तकलीफ आपको जरूर होगी, वो तकलीफ क्या है कि इस गाड़ी में सुजुकी कनेक्ट नाम की एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स कनेक्टेड है, जो आपको गाड़ी के साथ फ्री में आती है, 3 साल की जो भी फीस लगती है वो आपको देना नहीं है। यानी 11,990 रुपये का जो सुजुकी कनेक्ट का 3 साल का फीस है वो आपको देना नहीं है, वो सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलती है, गाड़ी के साथ आपको आती है। वो सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स के रहते आप जब अपने मोबाइल फ़ोन में इस गाड़ी का VIN नंबर, लोग बोलते हैं VIN नंबर यानी गाड़ी की चेसिस नंबर, जब आप गाड़ी की चेसिस नंबर को उस ऐप में डाउनलोड करने के बाद फीड कर दोगे तो आपकी वो मोबाइल उस ऐप के सहारे इस गाड़ी के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगा। जब ये अलार्म अभी बज उठी है, मेरी ये मोबाइल जो कनेक्टेड है गाड़ी से, उसमें एक मैसेज चली जाएगी कि आपके वहाँ एक इंट्रूडर अलर्ट हुआ है, आपके गाड़ी में कोई घुसा है या आपकी गाड़ी से छेड़खानी की गई है। यानी आप हमेशा कनेक्ट रहेंगे। तो ये जो सुजुकी कनेक्ट है, जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुजुकी कनेक्ट वाली एप्लीकेशन जो है, ये आपको 3 साल बाद, यानी आज से 3 साल बाद जब आपकी गाड़ी 3 साल की हो जाएगी तो ये सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगी जो फ्री है। अगर आप उसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आपको 2290 रुपया का सालाना सब्सक्रिप्शन फ़ी देना होगा, और फिर आपको उसे आगे 1 साल के लिए लेना होगा। तो इसी तरीके से आपको ये सुजुकी कनेक्ट की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या है, कैसा है, वो मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊँगा एक एक कर और दिखाता जाऊँगा हर एक चीज़ों को इस गाड़ी से जुड़ते हुए। तो ये सुजुकी कनेक्ट वाली फ़ीचर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसकी सारी डिटेल मैं आपको एक अलग वीडियो में आगे करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या फ़ीचर्स इसके साथ हैं और आपको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, गाड़ी के अंदर इंटीरियर में जाने से पहले, इतनी सारी फ़ीचर्स हैं मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने में एक एडवर्टाइज आती थी, शायद आपने देखी होगी, मारुति की, बच्चा गाड़ी चलाते ही जाता है, चलाते ही जाता है, बाप बुलाते जाता है लेकिन बच्चा बोलता है पापा गाड़ी की पेट्रोल ही ख़त्म नहीं हो रहा है तो मैं कैसे आ जाऊँ, खिलौने वाला कार। ठीक उसी प्रकार से इसके फीचर्स का इतने सारे हैं, इन फीचर्स के बारे में आपको शेयर किए बिना मैं अंदर कैसे चला जाऊँ। ठीक है, ये गाड़ी को अगर आप अनलॉक करते हैं, इस प्रकार से अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं और गाड़ी को आप किसी भी साइड से नहीं खोलते हैं तो 30 सेकंड्स बाद गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये भी एक स्पेशल फीचर है इस गाड़ी की। ठीक है,
तो सुजुकी कनेक्ट के बारे में आपको कैसा लगा, और ये जो तीन रिक्वेस्ट बटन के फीचर्स मैंने आपको बताए ये कैसा लगा, इसका कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। लेकिन गाड़ी के अंदर जाने से पहले आइए मैं आपको जो इमरजेंसी एग्जिट वाली जो कहानी है उसके बारे में आपको दो बातें समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप उस इमरजेंसी एग्जिट के सहारे गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं अगर कभी आप गाड़ी के अंदर अटक गए तो। आइए, ये जो डिक्की है इसको अभी यहाँ से ही खोलता हूँ, चलिए कोई नहीं, ये लीजिए खुल गई, मैंने रिमोट वाली बटन नहीं दबाई है। तो आपको बताना चाहूँगा, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे घूम जाओ, चलो। तो दोस्तों मैंने थोड़ी सी डिक्की को मैंने यहाँ नीचे उतार लिया है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैं ऐसे हाथ दे रहा हूँ, क्लियर है अभी, चलो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिक्की का ये एक लॉक है, जब भी हम लोग डिक्की को जोर से दबा देते हैं ये लॉक अंदर जाती है और यहाँ नीचे जो पिन लगी हुई है इस पिन के साथ डिक्की लॉक हो जाती है। तो ये जो लॉक है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं हाथ के सहारे इसको ब्लॉक कर रहा हूँ, ये जो लॉक है इस लॉक के सहारे आप गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। ये एक इमरजेंसी एग्जिट वाला फीचर्स इसमें मौजूद है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस लॉक में देखिए, थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है, इस लॉक में देखिए यहाँ छोटा सा एक दरवाज़ा है, देख रहे हैं आप, जब भी इस दरवाजे को यूं क्लिप को खोलेंगे धीरे से, देखिए ये क्लिप खुल गई, इस क्लिप को संभाल के निकाल लीजिएगा, बहुत छोटा सा क्लिप है, ये देखिए बहुत छोटा सा क्लिप है, इसे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ अंदर में देखिए एक लीवर है, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा जूम कर लो, आप दिख रहा होगा शायद आप लोगों को दोस्तों, अंदर में एक लीवर है, इस लीवर को जब हम लोग लेफ्ट से राइट ठेलते हैं तो ये डिक्की खुल जाती है, यानी इस चाबी के सहारे जब आप ऐसे करके इसको यहाँ फंसा के लेफ्ट से राइट यूं, देखिए मेरी हाथ आ रही है, देख रहे हैं ये मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट राइट देख रहे हैं, ये क्लिप मूव होती है। तो इस तरीके से जब आप इस लीवर को लेफ्ट से राइट घुमाओगे, यानी ऐसे ऐसे करके धीरे से एक बार चाबी को यूं लगाइए और इस लीवर को लेफ्ट से राइट ले जाइए, तो आपकी डिक्की खुल जाएगी और डिक्की के सहारे आप गाड़ी से बाहर निकल सकते हो। तो किस तरीके से ये मुमकिन है आइए मैं आपको अंदर से भी करके बताता हूँ। तो अभी वो छोटा सा जो क्लिप है उसे हम लोग यहाँ दोबारा फिट नहीं करेंगे, लास्ट में लगाएंगे, अभी डिक्की बंद कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताना चाहूँगा डिक्की लॉक नहीं कर रहा हूँ, लॉक भी रहेगी तो भी आप खोल सकते हैं, लेकिन वो इंट्रूडर वाली अलार्म बज उठेगी, तो इसलिए अभी डिक्की को लॉक नहीं कर रहा हूँ और अंदर से जाकर मैं आप लोगों को ये खोल कर बताता हूँ। इतने सारे फीचर्स हैं इस गाड़ी में कि आप दंग रह जाओगे। आपको मैं इस गाड़ी के इंटीरियर के फीचर्स के बारे में इतनी जल्दी बताऊँ तो बताऊँ कैसे, इतने सारे फीचर्स यहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो बैक सीट है इसको पहले फोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार इसे हम फोल्ड करेंगे, अगर उस ज़रूरत वाली समय में कुछ लगेज भी यहाँ होगी तो उसे हम रिप्लेस करके दूसरे पोजीशंस में रख लेंगे। अब आप यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो डिक्की में जो ये चीज़ है देखिए ये आपको साफ दिख रहा है, इसकी कवर छोटी सी खुली हुई है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, और अंदर आपको लीवर भी दिख रहा होगा, लेकिन अभी ये डिक्की लॉक है, नहीं खुलती है, ऐसे ठेलने से नहीं खुल रही है, ठीक है। तो इस चाबी के सहारे, मानिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर वाली सेट भी नहीं है, तो इस चाबी के सहारे मैं इस लीवर को लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ, देखिए ये लेफ्ट में लगा लिया और ये राइट में ले जाऊँगा, एक बार स्लिप हो गई, ये गई, देख रहे हैं ये खुल गई डिक्की। अब बताइए दोस्तों कैसा लगा ये फीचर, ये चीज़ आप लोगों को कभी किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ हमारी सचमुच की इंटीरियर वाली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, क्योंकि ये वीडियो आज के लिए काफ़ी लंबा हो गया है, इसे यहीं रोक रहे हैं, बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में गाड़ी की सारी इंटीरियर के बातों के साथ आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो दोस्तों जो भी आप लोगों में से आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो तीन चार बातें जो मैंने आपको बताई है ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज
इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि ऐसे ज़रूरी चीज़ों से मैं आप लोगों को हर नए दिन वाकिफ करवाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।